आशा करते हैं आप लोगों ने सबने एक एक वृक्ष लगाए होंगे, फैमिली में जितने मेंबर होंगे उतने जितने अपने पेड़ लगाए होंगे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कल तो लगा नहीं पाए किसी कारणवश, लेकिन पेड़ मंगा रखे तो चार मेंबर हैं तो चार पेड़ लगाएंगे। चलिए गाइस बने रहे, हम हरियाली तीज के लिए ऐसी हरी चूड़ियां जरूर पहनना। मैंने नहीं पहने हैं तो ये डिसएडवांटेज है मेरे लिए, और मैं अंजलि को दे के जाऊंगी और हरी हरी चूड़ियां पहन के आऊंगी। अंजलि ने बोला वो ऐसे ही करता है। तो गाइस हम है सत्संग मोड में, आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। सत्संग सुबह होने में टाइम है तो अभी मैं थोड़ा आपको अपने सत्संग मोड का बता देती हूँ। चलिए गाइस आप अपने दिखा दी मैं सत्संग मोड कैसा है हमारा। तो गाइस ऐसा है हमारा सत्संग, तो आई होप गाइस आपको हमारे सत्संग हॉल अच्छा लगा हो, और ये सारी बहनें हैं इस सत्संग की, ये पूरा हॉल है, सत्संग भवन बोलते हैं इसे हम। तो गाइस ये गेट है, एंट्री एग्जिट, ये सारी बहने हैं सत्संग की। सत्संग गाइस ये सब सारे सत्संग की है। ये स्पीकर हमारे यहाँ पे जो मतलब ऑडियो वगैरह का काम करते हैं वो स्पीकर करता है गाइस। और ये आंटी जी हैं सत्संग, इनका आज इनकी तरफ से है सत्संग, और आप मिलिए इनसे। हेलो गाइस सर तो दीदी का अच्छा गाइस आज इनकी तरफ से आंटी जी की तरफ से सत्संग है। दातार अपार खुशियां मिले इनके परिवार को और खूब खुश रहें। और ये देखिए ये पूरा सत्संग भवन बोलते हैं हम इसे, ये सत्संग का भवन है। तो ये लीजिए आप। तो गाइज अब तक अंजलि मेरी ब्लॉगिंग कर रही थी और आप अंजलि की ब्लॉगिंग में कर रही हूँ। तो हेलो अंजलि कैसे हो आप? अपने घरों में आपका मन भी हरा भरा रहे। अरे वाह 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 वाह। तो अंजलि है हमारी क्यूट सी बच्ची, देखो इसे इसे औरत समझने का वो मत करना, क्या गुस्ताखी। ये हमारी बच्ची है, छोटी सी बच्ची, ये देखिए। हमेशा आशीर्वाद है, सब बड़ों का आशीर्वाद। गाइस अंजलि के सामने ना मैं गेंडा जैसा लग रही हूँ, गेंडा जैसा। ऐसा कुछ नहीं गाइस, मन एकदम कोमल निर्मल होना तो शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। मन की पवित्रता सबसे अच्छी होती है, तन से कुछ क्या बात क्या बात। तन से कोई कितना भी सुंदर गाइस है तो माटी का ही ना। हाँ तो गाइस मैं सबसे मिलाती हूँ एक एक बार। हाँ आप सबसे मिलिए। तो गाइस ये भी है हमारे एक संत महात्मा, ये सत्संग में आए हुए हैं। तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हमेशा ऐसे सत्संग में आते रहिए अपने दोनों पैरों से, और हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। और एक संत महात्मा ये है, तो ये भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ ये भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे, बस सत्संग में हमेशा आते रहे। और जो ये भवन है तो ये भवन इन
दुख इन्होंने ही हमें दिया हुआ है यहाँ पे सत्संग करने के लिए। तो इतना सब कुछ दे रखे है परमात्मा ने, ईश्वर ने, सदगुरु ने कृपा करी है। तो भरा पूरा परिवार हमेशा रहे और ऐसे ही सत्संग में आते रहे। तो चलेगा और से भी मिलाती हूँ। और ये है हमारी नेगी बहन जी। तो ये भी अभी हम सत्संग में आए हुए हैं, काफ़ी टाइम है सत्संग का, तो इसलिए मैंने सोचा मौके पे चौका मार देती हूँ और सबकी एक एक वीडियो बना लेती हूँ। तो सदगुरु माता जी, ये हमारे संत महात्मा है, सब को राजी खुशी रखना और दौड़ दौड़ के अपने पैरों से सत्संग आना। और अभी और ये है हमारे रावण बहन जी। तो ये भी बहुत ही सेवादार बहन जी है, बहुत सेवादार है ये। और अभी प्रसाद की सेवा करके आए और अभी सत्संग में। तो माता जी इनको भी, इनकी हेल्थ बिल्कुल बरकरार रखना और हमेशा राजी खुशी रहे, स्वस्थ शरीर रहे और दौड़ दौड़ के हम ऐसे ही संगतों में आते रहे। अब मिलाती हूँ मैं नेक्स्ट हमारे संगत की पिलर है, सारी बहने हैं। तो ये भी हमारे, इनसे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, सारे संतों से मिलता है। और ये हमारी, ये भी, और ये जोशी बहन ने नींबू का बना रखा और ये इनको मुझे बोलना नहीं आया, इसको पी रहे हैं। इतना सुंदर हो रहा, किसी को दे ही नहीं रही मैं। और गाइस देखो, बहुत टेस्टी हो रहा और किसी को नहीं दे रहे। गाइस तुम सब चले सारी, गाइस तुम फुड़े फुड़े जाओ आराम से पीओ तो राहत। तो गाइस सबके लिए आज स्वास्थ्य हेल्थ का वरदान मांग रहे सबसे। तो इनके लिए भी इनकी हेल्थ बरकरार रहे सदगुरु माता जी। और ये दौड़ दौड़ के संगत में आए और ऐसे ही हमारे संगतों की शोभा बढ़ाए, हमारे संगतों की रौनक बढ़ाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मेंबर से। हाँ क्यों नहीं मिला रहे। तो गाइस ये है हमारी जोशी आंटी जी, जैसे कि आप सब देखते हैं मेरे ब्लॉग में जोशी आंटी जी बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए लास्ट में नंबर आया है। वो बहुत बिजी है आज, संगत आज उनकी तरफ से है, संगत आज सदगुरु माता जी ने उनकी झोली में डाली है। तो आज वो भी बहुत ही बिजी है, सुबह से काम पे लगे हुए हैं और हम मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आई हूँ गाइस। लेकिन इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और इनसे मैं सीखती हूँ कि सेवा कैसे की जाती है, सबसे मिल वर्तन करके कैसे रहा जाता है, सबसे प्यार कैसे किया जाता है। तो सदगुरु माता जी आज सबके लिए, आप सबका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रखिए और सबकी हेल्थ का कोई इशू ना हो। दौड़ दौड़ के अपने पैरों से, दौड़ दौड़ के आइए, अपने हाथों से सेवा करिए, पैरों से सत्संग हम आए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ अभी का ब्लॉग, आज की वीडियो में अभी यहाँ पे रखती हूँ। फिर अभी आंटी आपसे कुछ बोल रही है। आज मैं भी सदगुरु माता जी के तरफ से सारे संतों के लिए सुख की कामना करती हूँ। दाता जी के घर में तन मन धन के सारे सुख और ये सदा ऐसी सत्संग में मिलती रहे, हम सब लोगों का साथ ऐसी सदा बना रहे। फिर मिलते हैं सत्संग के बाद। धन निरंकार, धन निरंकार जी। तो चलिए गाइस अब मिल लेंगे हम सत्संग के बाद। और अभी ना सत्संग में टाइम था, काफ़ी टाइम था सत्संग में और बारिश हो रही थी, जैसे कि मैंने दिखाया कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं बारिश हो रही है। तो सत्संग में टाइम था, अभी सत्संग हमारा 4:30 से है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटी सी ब्लॉग, अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, ब्लॉग बना देती हूँ। तो चलिए गाइज ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग में बने बने रहे। और अगर मेरे ब्लॉग में कोई नया मेंबर अगर मेरे ब्लॉग को देख रहा है, नया व्यूअर कोई देख रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल पे, कमेंट्स कीजिए मेरे ब्लॉग पे और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे और आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे। तो मिलते हैं थोड़ा देर में। तो चलिए गाइस यहीं पर अभी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, बाय। तो दोस्तों अभी मैं घर पे आ गई हूँ, सत्संग था जैसे मैंने दिखाया था आपको। और यहाँ पे आ रखी है मेरी ननद शिवानी। तो इसे बहुत शर्म आ रही है गाइस, बहुत शर्मिली लड़की है, इतनी शर्मिली कोई नहीं है। अब बस हम चाय पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। तो और यहाँ देखो, यहाँ गोल्डिने का रखा है तंग। तो गाइस ये देखिए, शर्मिली लड़की निकाल दे, अच्छी आ रही है तेरी फोटो वीडियो। अच्छी तो दोस्तों यहाँ देखो, बहुत शर्म आ रही है इसे। और कोई बात नहीं,
तो जब ये आती है ना तो हमें मतलब चाय पीने में कुछ और ही आनंद आता है, अकेले अकेले मन नहीं करता है। तो मैं तो दोस्तों अभी देखिए मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और मैंने ना बैक कैमरे से बना रही थी तो शिवानी मुंह छुपा रही थी। तो अभी देखो अभी कितनी क्यूट लग रही है ना, बिल्कुल ग्लो आ रहे हैं, लैक्मे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लैक्मे का सीसी क्रीम लगा रखा है गाइज हमने, यहाँ देखो तभी ये ग्लो दिख रहा है, वरना तो पता ही है हमारी हकीकत क्या है। तो फ्रंट कैमरा भी इसीलिए हम फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो बनाते हैं ताकि हम थोड़े से अच्छे दिखे, खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे और आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए हमारे ब्लॉग देखने में। तो शिवानी चाय कैसे बनी हुई थी? बढ़िया। तो मतलब गाइज पूछ पूछ के बोल मुझसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है मुझे कि मैंने कैसे चाय बना रखी थी। तो गाइज फिर आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ मैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक बहुत कौन सा ब्लॉग के साथ। और अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दूध के लिए जा रही हूँ, तो हमेशा बोलेंगे कि दूध लेने जाती है तब ब्लॉग बनाती है, तो अब मैं दूध लेने जाऊंगी थोड़ा देर में। तो ब्लॉग की एंडिंग आज यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको मैं दूध लेने जा रही हूँ। अब नहीं दिखाऊंगी मैं ऐसे, कैसे कि सबको पता है कि मैं हर ब्लॉग में मेरे दूध की ठेकी दिखती है सबको। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने घरों में पकोड़े बनाते रहे, व्यस्त रहे। और जैसे कि हाँ मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं, कल चली गई है। और गाइस ये जरूर बताना कि पेड़ किस किस ने लगाए, ट्री प्लांटेशन किस किस ने किया है। मैंने तो नहीं किया है बट मैं करूँगी इस सावन के महीने, दो पेड़ जरूर लगाऊंगी। और जैसे कि शिवानी के भैया ने मतलब मेरे पति देव ने, उन्होंने लगा चुके हैं वो बांस के पेड़ लगाए उन्होंने अपने थाने में ना, हाँ उधर, तो मैं भी लगाऊंगी। मैंने सोचा कि हम चार मेंबर हैं तो चार पेड़ लगाएंगे, तो मैंने इनको बोला कि तुमने कितने पेड़ लगाए, तो उन्होंने बोला दो पेड़ मैं लगा चुका हूँ, तो दो मैं भी लगाऊंगी, चाय फ्रूट्स के लगाऊंगी, मैंने मंगा रखे हैं किसी से। तो गाइस जरूर लगाना है, सभी लगाना है, आजकल सावन का महीना चल रहा है तो उसमें पेड़ हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आसमान से नॉन स्टॉप पानी बरसता ही रहता है ना। तो चलिए गाइस, और ये सावन का महीना आपके जीवन में भी हरियाली लेके आए, आपके दिनों में भी जो थोड़ा से बासी हो गए वो भी थोड़ा हरे भरे हो जाए। चलिए गाइस ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।